आज के क्लास में हम लोगों को जो मेन डिस्कशन करना है दैट इज ऑल अबाउट योर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब ऑप्टिक्स में जो आप अभी तक लेंस पढ़े हैं उस लेंस का यूज करके अपने अपने जरूरत के हिसाब से पीछे इंस्ट्रूमेंट का फॉर्मेशन करना, इसको आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। उस लेंस का यूज करके या ऐसा सोचो कि ऑप्टिक्स में जो आप लॉस पढ़े, रिफ्लेक्शन का लॉ, रिफ्रैक्शन का लॉ, अलग अलग तरह का इंस्ट्रूमेंट्स आप पढ़े, मिरर पढ़े, प्लेन मिरर पढ़े, लेंस पढ़े, अलग अलग तरह का लेंस पढ़े, स्लैब पढ़े, इन सब का यूज करके अपने जरूरत के हिसाब से जो भी आप इंस्ट्रूमेंट तैयार करते हैं उसको आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ठीक है, अब आइए इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जो सबसे पहला चीज आप डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट योर आई, आपके आई के बारे में। कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल आई एज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स डिफेक्ट। आप लोगों को बोर्ड पे सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है? बोर्ड पे जो लिख रहे हैं वो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है? यस सर। और यस बोलने में इतना सोच रहा है यार, बोल दे यस। ठीक, सबसे पहले आई के बारे में, जो आप आई देखते हैं उस आई पे अगर आप वर्किंग प्रोसेस पे जाएंगे तो आपको दो तीन चीज है ना बहुत ध्यान से समझना पड़ता है। आई का जो फ्रंट पोर्शन है उसमें दो इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, एक है कॉर्निया, ये है आपका कॉर्निया, बहुत ध्यान से समझना, जितना बेसिक समझोगे उतना क्वेश्चन इजी वे से बनेगा। कॉर्निया, और इस कॉर्निया के पीछे होता है एक इस तरह का आई का लेंस, मस्कुलर लेंस है ये, दिस इज आई लेंस। कॉर्निया, उसके पीछे आई लेंस। आप जब किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जैसे मान लो हम इस मोबाइल को देख रहे हैं, तो इसको इसके इमेज को पीछे रेटिना पे बनाना है, इसके इमेज को पीछे रेटिना पे बनाना है। यह आपका रेटिना। अब जब भी कोई इमेज अगर आप साफ ही देखना चाहते हैं तो आपको उसका इमेज इस रेटिना पे बनाना होगा। रेटिना पे बनाने के लिए देखिए, कभी मान लीजिए हम इस मोबाइल से सपोज 6 फीट दूरी पे हैं, तो अभी मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 6 है लेकिन इमेज डिस्टेंस हमेशा फिक्स है। अगर आपको मोबाइल क्लियर देखना है तो इमेज डिस्टेंस फिक्स है, भी फिक्स है। अब हम एक कदम आगे आ गए, अब मेरा मोबाइल हमसे 4 फीट दूरी पे है, 4 फीट, तो मेरा यू बदला लेकिन भी वही है। तो तुम खुद ही सोचो, माइंड से थोड़ा सोचो कि यू बदल रहा है, भी एक ही रखना है, तो क्या फोकल लेंथ सेम रहना चाहिए या हर बार एडजस्ट होना चाहिए? हर बार एडजस्ट होना चाहिए। वेरी गुड। तो फोर उसके लिए जो हमारे सामने में ऑब्जेक्ट मूव करता है उसके अलग अलग यू के लिए अगर आप चाहते हैं कि एक सेम भी रहे, फिक्स भी रहे, तो हर बार फोकल लेंथ एडजस्ट होना होगा। अब इसमें देखो, कॉर्निया है और आई लेंस है। कॉर्निया हमेशा फिक्स्ड फोकल लेंथ देता है, फिक्स्ड फोकल लेंथ, ये नहीं बदलता, एडजस्टेबल नहीं है, फिक्स्ड पावर देता है, फिक्स्ड पावर देता है। लेकिन जो बदलता है वो होता है आई लेंस, वेरिएबल फोकल लेंथ, जरूरत के हिसाब से फोकल लेंथ बदल जाना, वेरिएबल पावर, वेरिएबल फोकल लेंथ, वेरिएबल पावर। तो जो हमारा आई लेंस है कॉर्निया के जस्ट पीछे जो आई लेंस है
कॉर्निया के जस्ट पीछे जो आई लेंथ है वो अपने फोकल लेंथ को बदलता है, और जो दोनों मिलके एक कंबाइंड इक्विवेलेंट की तरह काम करता है। मतलब अगर कोई बोलेगा आपसे आई लेंस, तो आप समझ जाइए कि कॉर्निया और वो आई का जो मस्कुलर लेंस है दोनों को मिला के बात करता है। इस वजह से जब हम लोग यहाँ पे एक एफ इक्विवेलेंट लिखते हैं तो 1/f ऑफ कॉर्निया प्लस 1/f ऑफ आई मस्कुलर लेंस, आई लेंस इन दोनों का रिलेटेड जिसमें ये हमेशा फिक्स्ड है ये वैरी करता है, और इन दोनों का जो सिंपल रिजल्टेंट आता है वो इक्विवेलेंट होता है ऑफ दिस लेंस। इसी तरह अगर आप इस पूरे कॉम्बिनेशन का पावर इक्विवेलेंट देखेंगे तो पावर ऑफ कॉर्निया जो एक फिक्स्ड वैल्यू है प्लस पावर ऑफ आई लेंस जो वेरिएबल, क्या आपको लॉजिक समझ में आ रहा है कि काम कैसे होगा? अभी देखिए, जैसे ये मान लीजिए मार्कर है हमसे अभी 3 फीट दूरी पे है, 3 फीट दूरी पे है तो u है 3, मेरे आई के बॉल का डायमीटर होगा मान लो 3 सेंटीमीटर, मेरे आई बॉल का डायमीटर है 3 सेंटीमीटर। अगर 3 सेंटीमीटर डायमीटर है तो भी 3 सेंटीमीटर होगा, 3 सेंटीमीटर होगा, समझ में आ रहा? U हो गया 3 फिट, उसको बदल लीजिएगा 70 मीटर में, भी आपको पता है 3 सेंटीमीटर, तो क्या आपको पता चलेगा? इसमें से आपको क्या पता चलेगा? एक इक्विवेलेंट पता चलेगा, कॉर्निया पता चलेगा, आई लेंस का फोकल लेंथ क्या पता चलेगा आपको? एफ इक्विवेलेंट पता चलेगा। अब एक बार एफ इक्विवेलेंट मिल जाए तो आपके बायोलॉजिकल टर्म के हिसाब से आपको एफ ऑफ कॉर्निया फिक्स्ड वैल्यू हर किसी का आई का अपना अपना होता है, वो अगर आपको पता है तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ आई लेंस कितना फोकल लेंथ शो कर रहा है। अब आई का लेंस फोकल लेंथ कैसे अपना एडजस्ट कर लेता है, आई का लेंस फोकल लेंथ अपना कैसे एडजस्ट कर लेता है? बहुत बेसिक, आप देखिए किसी भी चीज को, जैसे आप लोग घर में भी अभी बैठे बैठे आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। आप अपना पेन उठाइए, पेन को जब आप नजदीक करके देखिएगा तो आंख को थोड़ा सिकुड़ना पड़ता है, थोड़ा सा स्ट्रेंड होता है, आंख स्ट्रेंड होता है। पेन को नजदीक रखिएगा तो आंख को स्ट्रेंड करना पड़ेगा, और अगर कोई दूर में रखा हुआ चीज है तो उसको देखना है तो आंख एकदम रिलैक्स रहता है। देखिए जब आप अपने आई को स्ट्रेंड करते हैं ना, थोड़ा ऐसे दबाते हैं ऊपर से, तो होता क्या है यहाँ पे जो नर्व्स है वो है ना इस आई लेंस को थोड़ा दबा देता। देखो स्ट्रेन आई मतलब थोड़ा दबा हुआ आई, वो क्या करता है वो इस आई लेंस को थोड़ा मोटा कर देता है, ऊपर और नीचे से दबा के, ऊपर और नीचे से दबा के थोड़ा आई लेंस को मोटा कर देता है। और रिलैक्स्ड आई जब आप देखते हैं, जब आप रिलैक्स्ड आई से दूर का चीज देखते हैं तो वो इस आई लेंस को पतला रखता है, इसी थिकनेस को मेनली एडजस्ट करके, इसी आई लेंस के थिकनेस को एडजस्ट करके आई लेंस को दबा दिया तो उसका थिकनेस बढ़ गया, आई लेंस को रिलैक्स कर दिया उसका थिकनेस घट गया। इस तरह से आई लेंस अपना फोकल लेंथ एडजस्ट करता है, और हर एक क्षण बोलो तो 10 बार एडजस्ट करता। अभी अब तुमको देख रहे हैं, मान लो क्लास में यहाँ पे 50 स्टूडेंट रहता है, हम सबको देख रहे हैं, बहुत गौर से देख रहे हैं, तो हर किसी के हिसाब से छन 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 भर में है ना, तुरंत तुरंत अपना फोकल लेंथ एडजस्ट होते जा रहा है। यू सबका अलग है लेकिन भी सबका फिक्स है, वो मेरा आई बॉल वाला डिस्टेंस वो भी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है यहां तक? आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, थोड़ा बीच बीच में बोल दिया करो, पता चले कि हाँ उधर कोई बैठा है नहीं तो दिक्कत होता है। चलो यहां तक किसी को कोई डाउट समझने में? चलो ठीक है, वेरी नाइस। अब देखिए, अब यहां से आइए कि प्रॉब्लम क्या होता है। प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप आई एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बहुत ज्यादा दिन तक यूज करते हैं, या किसी बायोलॉजिकल इफेक्ट से, या खाने पीने का रहन सहन का तरीका
ज्यादा मोबाइल देखना, ज्यादा टीवी देखना, कोई ना कोई ऐसा इफेक्ट होने की वजह से होता क्या है कि आई लेंस और कॉर्निया किसी में भी डिफेक्ट जनरेट हो सकता है। अब इससे डिफेक्ट का कारण क्या है वो आप बायोलॉजी में पढ़िए कि क्या आपको विटामिन्स लेना चाहिए और कैसे अपने आप को है ना, अपने आई को है ना हेल्दी रखना चाहिए, कितने देर का नींद लेना चाहिए, मोबाइल से कितना दूर रहना चाहिए, जबकि मोबाइल पे ही पढ़ाई हो रहा है मोबाइल से ही दूर रहना चाहिए। तो ये सब चीज आप है ना अलग तरीके से वहां से आप देखें। लेकिन अब बात करते हैं हम लोग आई में डिफेक्ट का। बेसिकली आई में जो डिफेक्ट होता है वो इस आई लेंस में, अब हम आई लेंस बोले ना तो आप कॉर्निया और आई दोनों को मिला लें, ठीक है, अलग अलग हर बार बोलना थोड़ा मुश्किल होता है। आई लेंस बोले तो कॉर्निया और इस आई के अंदर का जो मस्कुलर लेंस है दोनों को कंबाइन करके सोचिए। तो इफेक्ट दो तरह का, उस इफेक्ट पे जाने के पहले आप एक दो और बेसिक चीज समझ लें। और नियर ऑब्जेक्ट, मान लीजिए आपके पास कोई नियर ऑब्जेक्ट है, याद रखिएगा आई इज मोर स्ट्रेन, आई में बहुत तनाव रहेगा, आई में बहुत तनाव रहेगा, नजदीक का ऑब्जेक्ट देखिएगा आई में बहुत तनाव रहेगा। और आप ऐसे समझिए कि अब देखिए हम आई को ऐसे बना रहे हैं, मान लीजिएगा कि इसके अंदर सब कुछ आ गया, अगर आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट है तो वो चाहेगा कि हाँ भाई इसका इमेज यहाँ बने, रेटिना पे बने ये ऑब्जेक्ट, यहाँ इमेज, अगर सात इमेज रेटिना पे बन जाता है तो उसका एक क्लियर व्यू आप देख पाते हैं, मैसेज जाता है माइंड में हमारे, सिग्नल जाता है कि हाँ भाई ये ऐसा है। रिलैक्स्ड आई फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट दूर में रखा है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट दूर में रखा है, दूर वाले ऑब्जेक्ट के केस में आई इज मोर रिलैक्स्ड, आई जो है वो ज्यादा रिलैक्स्ड होता है। मान लीजिए जैसे ये आपका आई, यस, दूर का ऑब्जेक्ट कहने का मतलब क्या होता है, दूर का ऑब्जेक्ट कहने का मतलब होता है कि वहां से रेस पैरेलल आ रहा है और आई उसको इस रेटिना पे ऐसे फोकस कर दिया, आई उसको ऐसे रेटिना पे फोकस कर, ठीक है। तो ये है हमारा रिलैक्स्ड आई जिसमें ऑब्जेक्ट दूर रहता है उसका इमेज रेटिना पे बनता है। ये है स्ट्रेंड आई, आप जितना ऑब्जेक्ट को नजदीक ले आइएगा आई को उतना ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा रेस को कन्वर्ज करके रेटिना पे इमेज बनाने में, और उतना ही डिफिकल्ट काम होता है आई लेंस का। इसलिए आप देखिएगा कि ज्यादा देर तक अगर आप बुक सुख सुख है ना, देखिए बुक तो आप है ना अपने से बहुत ज्यादा दूर करके पढ़ाई तो कर नहीं सकते, अगर आप नजदीक करके पढ़ाई करते हैं तो देखिएगा थोड़ा आई में स्ट्रेंथ डेवलप होता है, थोड़ा पेन होने लगता है। इसका कारण है कि यहाँ आई को सबसे ज्यादा है ना मेहनत करना पड़ता है, सबसे ज्यादा पावर डिलीवर करना पड़ता है, जबकि रिलैक्स पोजिशन में नहीं, ठीक है। तो देखो ये चीज, अब हमारे पास अगर आई लेंस के पास एबिलिटी ऐसा हो कि परफेक्टली रेस को इस रेटिना पे कन्वर्ट कर दे तो आपको एक शार्प इमेज दिखाई देगा कोई दूर वाले ऑब्जेक्ट का, लेकिन अगर आई इतना सही तरीके से काम ना कर सके, या तो रेटिना के पहले इमेज को कन्वर्ट करे या रेटिना के बाद इमेज को कन्वर्ट करने लगे, तो वैसे केस में जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसका क्लियर इमेज हमको नहीं दिखाई देता, एंड इन दैट केस आई इज सेड टू बी डिफेक्टेड, ठीक है ना। इफ सार्प इमेज इज नॉट फॉर्म्ड ऑन रेटिना, then I is defected eye. Generally eye defect को आप तीन सेक्शन में पढ़ेंगे, वैसे आप चार सेक्शन भी कह सकते हैं। एक है आपके पास myopic defect, दूसरा है hyper myopic defect, अगला है presbyopia और लास्ट है astigmatism। यहां तक नोट करें,
उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करो फटाफट। बोलो चलिए आगे देखिए। डिफेक्ट ऑफ आई, डिफेक्ट्स ऑफ आई या आई डिफेक्ट्स आप कह सकते। सबसे पहला है मायोपिया। मायोपिया होता क्या है? मान लो अगर हम एक नेचुरल आई कंटेन करते हैं, ये ग्लास भूल जाइए, ये ग्लास बस मेरा है ना, स्क्रीन की तरह काम करता है, ब्लू रे फिल्टर का है और कुछ मेरा पावर वार का बात नहीं, ठीक है। एक नेचुरल आई की तरह अगर आप जानेंगे तो दूर में जो इंफिनिटी पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई दूर में रखा हुआ पेड़ दिखाई दे रहा है एकदम क्लियर, कोई दिक्कत, तो वहां से जो रेज आ रहा है वो मेरा आई लेंस कैपेबल है कि उसको कन्वर्ट करके रेटिना पे मिला दे। होता क्या है, पहले देखो वो अनडिफेक्टेड आई, अनडिफेक्टेड आई फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, कोई एक दूर का ऑब्जेक्ट है उसके लिए मेरा अनडिफेक्टेड आई कैसे काम करता है? वो मेरा अनडिफेक्टेड आई करता क्या है, दूर से जो रे आ रहा है उसको एग्जैक्टली ले जाके रेटिना पे कन्वर्ट कर देता है और फिर हमारा ब्रेन उसको रीड करता है, मैसेज सिग्नल को रीड करता है कि हाँ भाई ये उसका इमेज है या वो ऑब्जेक्ट ऐसा है। जब किसी कारणवश आई का लेंस इस दूर से आने वाले रेज को रेटिना के पहले ही कन्वर्ट कर दे, दूर से आने वाले रे को रेटिना के पहले ही कन्वर्ट कर दे, मायोपिया डिफेक्टेड आई। मायोपिया डिफेक्टेड आई में क्या होता है वो समझो, कि जो दूर से रे आ रहा था डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से उसको रेटिना के पहले ही कन्वर्ट हो गया, आई लेंस थोड़ा खराब हो गया है इस वजह से वो दूर तक उसको नहीं कन्वर्ट कर रहा है, रेटिना के पहले कन्वर्ट हो। अब जब ये रेटिना के पहले कन्वर्ट हो गया तो रेटिना पे तो शार्प इमेज नहीं बनेगा, जब शार्प इमेज नहीं बनेगा तो आपको इमेज भी शार्प नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो ये तरीका होता है मायोपिक डिफेक्टेड आई का, मायोपिया से डिफेक्टेड आई इस तरीके से काम करता है, दूर का ऑब्जेक्ट उसको क्लियर दिखाई नहीं देगा, कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखाई देगा, दूर वाला चीज उसको नहीं दिखाई देगा, इसको हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस के नाम से भी जानते हैं, इसका दूसरा और तीसरा नाम भी बहुत अच्छा है। इसी पर्टिकुलर मायोपिक डिफेक्ट को हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस या फिर नियर साइटेडनेस भी कहते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस या फिर नियर साइटेडनेस, ये सब इसी मायोपिक डिफेक्ट का है जिसमें दूर का चीज क्लियर दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो सर आखिर इसको ठीक कैसे करते हैं? देखिए जब आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं कि हाँ सर इस तरह का प्रॉब्लम है, तो वो आपको एक स्पेक्टिकल देता है। एक स्पेक्टिकल क्या है? वो इन रेज को थोड़ा सा डाइवर्ट कर देता है, डाइवर्ट करता है, कैसे करता है देखो जरा, फॉर फॉर करेक्टनेस यूज डाइवर्जिंग लेंस। आप इस मायोपिक डिफेक्ट को अगर आप करेक्ट करना चाहते हैं तो आपको डाइवर्जिंग लेंस का जरूरत पड़ेगा। देखिए कैसे आपका डाइवर्जिंग लेंस इसके लिए काम करता है, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। जनरली अभी क्या हो रहा था, अभी ऐसा हो रहा था कि ये
डॉटेड लाइन आप देखो कि लेंस इसको पहले ही लाके कन्वर्ज कर दे रहा। अब आपको एक चश्मा दिया जाएगा ऐसा, उस चश्मा में एक डाइवर्जिंग लेंस फिक्स्ड होगा, वो कैलकुलेशन बेस्ड होता है। वो डाइवर्जिंग लेंस क्या करेगा, जो तुम्हारे स्पेक्टिकल में डाइवर्जिंग लेंस लगा है वो क्या करेगा, वो यहां से जो रे जा रहा था उसको थोड़ा सा डाइवर्ज कर देगा। जो रेज यहां से जा रहा था उसको थोड़ा डाइवर्ज कर देगा, और डाइवर्ज इतना करेगा कि एग्जैक्टली जाके अब वो रेटिना पे कन्वर्ज करे। क्या मेरी बात समझ में आ गया? यस सर। तो मायोपिक डिफेक्ट में, या यू कहो कि जो हम लोगों का शॉर्ट साइटेडनेस है जिसमें दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखाई देता, अगर आप उसमें करेक्टनेस का बात करेंगे तो आप एक डाइवर्जिंग लेंस यूज करते हैं। डाइवर्जिंग लेंस क्या करता है कि जो हमारा पैरेलल रेज आ रहा है उसको थोड़ा सा डाइवर्ज कर देता है, तो जो रेज पहले रेटिना के पहले कट जा रहा था वो अब एग्जैक्टली जाके रेटिना पे कटता है, एक साफ इमेज बनता है और हमको ऑब्जेक्ट का इमेज क्लियरली दिखाई देता है। क्या पूरा लाइन आपको समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं? यस सर। चलिए अगला देखिए फिर इसके बाद। नेक्स्ट इज हाइपरमेट्रोपिया। आप इसको फार साइटेडनेस या फिर फार साइटेडनेस, इस तरीके से दूसरा नाम आप दे सकते हैं, हाइपरमेट्रोपिया फार साइटेडनेस। ठीक है, ऐसे केस में क्या है, आई कैन नॉट सी क्लोज ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। आई जो है वो नजदीक वाले ऑब्जेक्ट्स को क्लियर नहीं देख पाता, क्या कारण है? कारण देखो अनडिफेक्टेड आई पहले देखो, अनडिफेक्टेड आई का कॉन्सेप्ट क्या था कि हाँ देखिए यहां पे एक नजदीक में ऑब्जेक्ट है तो आई एग्जैक्टली उसको ले जाके रेटिना पे ऐसे कन्वर्ज कर देगा, और जब रेटिना पे ऐसे कन्वर्ज हो जाएगा तो साफ इमेज रेटिना पे बनेगा और आपको वो ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देगा। लेकिन जो डिफेक्टेड आई होता है उसका काम कैसे रहता वो देखो, डिफेक्टेड आई में नजदीक वाला ऑब्जेक्ट रेटिना के पीछे कन्वर्ट होता है, रेटिना के पीछे। अब रेटिना के पीछे कन्वर्ट होने से कहानी फिर से वही आ गया कि रेटिना पे एक शार्प इमेज नहीं बनता, और जब रेटिना पे शार्प इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता तो वैसे केस में आप बोलते हैं कि हाँ भाई हमको ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है। बहुतों को देखिएगा कि बुक को रीड करने में बहुत प्रॉब्लम होता है, उनको बुक पढ़ने के लिए एक रीडिंग ग्लास अलग से चाहिए होता है, नहीं तो उनको है ना बुक का जो लेटर्स है वो धुंधला दिखाई देता है। ये सब जो डिफेक्ट है वो यही। फिर आखिर इसको ठीक कैसे करें, तो देख जस्ट इस पर्टिकुलर आई लेंस के पहले एक कन्वर्जिंग लेंस आपको इस स्पेक्टिकल के फॉर्म में, या आपको नया चला है ना आई लेंस, आई में ही लेंस लगा दिया जाता है ना एक्स्ट्रा। हाँ, यस ठीक है। तो देखो दो तरीका है, आप पहले प्राचीन युग वाला बात करें फिर नए जमाने में बात कर सकते हैं। आपको जो चश्मा दिया जाएगा उसमें कन्वर्जिंग लेंस रहेगा यहाँ पे स्पेक्टिकल में, नहीं तो अभी नया फैशन क्या चला है कि आई का जो पर्टिकुलर रेटिना कॉर्निया है उसके पहले ही एक है ना लेंस लगा दिया जाए। ठीक है सर, लेकिन वो तो हीरोइन लोग लगाती है ना। हीरोइन लोग अपना आई का जो कलर है जैसे ब्लैक है तो उसको ब्राउन और ये सब करने के लिए लगाती है, और आम पब्लिक लोग है ना अपने आई में जो डिफेक्ट है उसको दूर करने के लिए लगाता है, दोनों में अंतर है। ठीक है सर। फॉर करेक्टनेस यूज कन्वर्जिंग लेंस।
यूज कन्वर्जिंग लेंस। देखो क्या करता है कन्वर्जिंग लेंस, ये हमारे पास है आई लेंस, जो यहां पे जो ऑब्जेक्ट था उसका एक साथ इमेज रेटिना पे नहीं बना पा रहा था, उसका एक साथ इमेज रेटिना पे नहीं बना पा रहा है या बना रहा था। आप क्या किए, इसके पहले ही लगा दिए एक कन्वर्जिंग लेंस। अब ये कन्वर्जिंग लेंस क्या करेगा, रे जो यहां से यहां पहुंचा है उसको थोड़ा कन्वर्ज कर देगा, उसको थोड़ा पहले ही कन्वर्ज कर देगा। रे जो यहां से यहां पहुंचा उसको पहले ही थोड़ा कन्वर्ज कर देगा, उसके बाद फिर वो जाके रेटिना पे अपना फाइनल साथ इमेज का फॉर्मेशन करेगा। क्या समझ में आ रहा है क्या काम हो रहा है किसका? यस सर। दिस इज अनडिफेक्टेड आई, आई ही काम कर लिया कि ऑब्जेक्ट का साथ इमेज रेटिना में बना। अगर नहीं काम करता है तो उसका इफेक्ट ये है, उसको ठीक करने का तरीका ये। दिस इज कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया फार साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया फार साइटेडनेस। नोट करो ये दोनों फटाफट। देखिए अभी तक जो आप दो तरह का डिफेक्ट पढ़े हैं ना, जिसमें पहला वाला में नजदीक वाला जो दूर वाला ऑब्जेक्ट देखने में दिक्कत होता है, सेकंड वाले में नजदीक वाले में होता दिक्कत, जब आप इसका न्यूमेरिकल पोर्शन पे जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा स्टेटमेंट मिलेगा जिसको आपको समझना चाहिए। एक सुनिएगा ध्यान से, एक अनडिफेक्टेड आई का फार पॉइंट कहां है? तो इंफिनिटी। अनडिफेक्टेड आई का फार पॉइंट इंफिनिटी है। इस लाइन का मतलब ये होता है कि इंफिनिटी में रखा हुआ चीज भी वो बहुत क्लियरली देख लेगा, रिलैक्स पोजीशन में आई रहेगा देख लेगा, लेकिन जब आई में डिफेक्ट होता है, इस तरह का डिफेक्ट पे पहले चर्चा हो रहा, जब आई में डिफेक्ट होता है तो वो क्या करता है, उसकी वजह से होता क्या है कि जो उसका फार पॉइंट पहले इंफिनिटी था वो हो सकता है 50 मीटर पे सिमट जाए। 50 मीटर का मतलब क्या हुआ, 50 मीटर का मतलब ये हुआ कि 50 मीटर तक कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है तो वो उसको देख लेगा, क्लियरली देख लेगा, लेकिन 50 मीटर से अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर है तो आई उसको नहीं देख पाएगा, क्लियरली उसका इमेज नहीं बना पाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। तो उसके लिए कहा जाएगा कि देखिए भाई, एक डिफेक्टेड आई है जिसका फार पॉइंट इंफिनिटी से शिफ्ट करके 50 मीटर पे आ गया, इंफिनिटी से शिफ्ट करके 50 मीटर पे आ गया, तो पता तुम्हारा मतलब क्या है कि भाई देखो, इंफिनिटी पे जो फार पॉइंट होना चाहिए था करेक्टेड आई का, वो शिफ्ट करके 50 मीटर पे आ गया है। तो अब आपके आई का काम क्या है? अब आपके आई का काम यह है कि जो 50 मीटर पे ऑब्जेक्ट है उसका इमेज वो रेटिना पे बना देगा, लेकिन 50 मीटर के जगह पे अगर कोई ऑब्जेक्ट 100 मीटर पे है, 200 मीटर पे है, 500 मीटर पे है, तो उसका वो रेटिना पे इमेज नहीं बना पाएगा। अब देख हुआ क्या, आप इस कॉन्वेक्स लेंस को, सॉरी कॉन्केव लेंस को जो यूज किया, जरा देखिएगा समझिएगा इसको, कॉन्केव लेंस रेज को जो डाइवर्ज किया, कॉन्केव जो लेंस को डाइवर्ज किया इस रेज को, वो रेज डाइवर्ज होने के बाद देखो तो यहां पे कट रहा है, बोलो सही है? Yes. Yes, पता है ये लेंस क्या किया है, ये लेंस ये किया है कि जो मेरा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, जो मेरा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है उसका इमेज ला के 50 मीटर पे बना दिया, 50 मीटर, उसके बाद तो मेरा लेंस कैपेबल है ही, मेरे आई का लेंस कैपेबल है ही, वो रेटिना पे उसको कन्वर्ज कर देगा। तो इस लेंस का जो करेक्टनेस के लिए यूज किया हुआ लेंस है, जो करेक्टनेस के लिए यूज किया हुआ लेंस है, वो क्या किया, जो फार पॉइंट मेरा इंफिनिटी से 50 मीटर पे शिफ्ट हो गया था, ये लेंस इंफिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट था उसका इमेज 50 मीटर पे बना दिया, उस 50 मीटर पे जो इमेज बना वो हमारे आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम किया, फिर वो
इमेज का फाइनल इमेज रेटिना पे बन गया। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। सबको समझ में आया? यस। ठीक, जब आप कोई न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो इस तरह से मेरे वर्ड्स को ध्यान रखिएगा। अब आइए और आगे, इसमें देखिए क्या है? इसमें नजदीक का ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देगा। आपको पता है ना कि सबसे नियरर पॉइंट जहां हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के इमेज को क्लियर नहीं देख पाते, दैट इज 25 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन कहते हैं। जनरली ये कहा जाता है कि जो हमारा आई डिफेक्ट से फ्री है वो 25 सेंटीमीटर तक भी अगर आप क्लोज टू ऑब्जेक्ट रख दीजिएगा तो भी उसका इमेज बना देता है। अब होता क्या है कि बहुत ज्यादा दिन तक आप आई लेंस को यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर वियर एंड टियर है, स्ट्रेन है, स्ट्रेस है, बहुत तरीके का चीज। उसका क्या हुआ, किसी कारण बस उसका 25 सेंटीमीटर वाला जो नियरर पॉइंट था वो शिफ्ट करके 200 सेंटीमीटर पे चला गया। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि अब 200 सेंटीमीटर के नजदीक अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसका आई उसका करेक्ट इमेज नहीं बना पाएगा रेटिना पे, और उसको उस पर्सन को वो ऑब्जेक्ट धुंधला दिखाई देगा, क्योंकि उसका नियरर पॉइंट 25 सेंटीमीटर के जगह पे 200 सेंटीमीटर पे चला गया। अब आप बुक कैसे पढ़िएगा? 200 सेंटीमीटर का मतलब होता है 2 मीटर। बुक कैसे पढ़िएगा? आपका हाथ 1 मीटर का है, आपको बुक अपने ही हाथ में नहीं रख के पढ़ना है, तो देखो वो हाथ ऐसे ही, जैसे ही बुक आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे ये एक्चुअली 200 सेंटीमीटर के नजदीक होगा तो इसका इमेज क्लियर नहीं बन पाएगा, आपको दिखाई नहीं। तो ऐसे केस में आपसे ऐसे बोला जाता है कि आपके पास जो डिफेक्टेड आई है उसका नियरर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से शिफ्ट करके 200 सेंटीमीटर पे चला गया। यहां क्या बोले थे, फार पॉइंट इंफिनिटी से शिफ्ट करके 50 मीटर पे आ गया है, यहां बोल रहे नियरर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से शिफ्ट करके 200 सेंटीमीटर पे चला गया। अब देखो होता क्या है, अब ऐसा होता है ठीक है कि आपको एक ऐसा लेंस चाहिए होता है जो 25 सेंटीमीटर पे जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज 200 सेंटीमीटर पे बना दे। क्या समझ पा रहे हो मेरी बात को? आपको एक ऐसा लेंस चाहिए होता है जो 25 सेंटीमीटर पे जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज 200 सेंटीमीटर पे बना दे, क्योंकि ये जो इमेज बना है उसके बाद आई लेंस खुद ही उसका इमेज रेटिना पे बना देगा। क्या मेरी बात समझ में आई? लास्ट लाइन। यस सर। सबको समझ में आ रहा है? थोड़ा एक बार माइक ऑन करके हाँ ना जो भी बोलना है बोल लो। सर थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा है। मेरे क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, दीक्षा अपना माइक ऑन रखिएगा। आपको पता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन 25 सेंटीमीटर होता है? हाँ यस सर, ये पता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपका आई जो है वो 25 सेंटीमीटर तक अगर आप क्लोज टू ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वो उसका इमेज रेटिना पे बना देगा। लेकिन अगर आई में डिफेक्ट हो जाए और वो 25 सेंटीमीटर के इमेज के जगह 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट की जगह पे 200 सेंटीमीटर से नजदीक काम ना कर पाए, 200 सेंटीमीटर से नजदीक किसी भी ऑब्जेक्ट को रख दीजिएगा तो आई उसका करेक्ट इमेज रेटिना पे नहीं बना पा रहा है, तो आई में डिफेक्ट है। क्या बोलते हो, सही है? ठीक। अब आप जो लेंस यूज करेंगे चश्मे का उसका काम क्या होगा? मान लीजिए आपको एक बुक पढ़ना है। अब ये बुक तो हम रखे हैं 25 सेंटीमीटर पे, 30 सेंटीमीटर पे, लेकिन मेरा नियरर पॉइंट तो 200 सेंटीमीटर पे है, तो मेरा पहला लेंस जो हम चश्मा पहने वो क्या करेगा, वो इसके इमेज को 200 सेंटीमीटर पे बनाएगा, उसके बाद चश्मे का रोल खत्म। अब वो 200 सेंटीमीटर के बाद मेरा आई खुद काम करके उसका इमेज रेटिना पे बना देगा। बोलो समझे? यस सर। इस चश्मे का काम क्या है कि जो 25 या 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है उसका इमेज कहाँ बना देना? रेटिना पे। ना, 200 सेंटीमीटर पे। हाँ, यस सर। 200 सेंटीमीटर पे। और फिर 200 सेंटीमीटर से जो रे आएगा मेरा आई खुद उसका इमेज कहाँ बनाएगा? रेटिना पे। रेटिना। क्या आप सबको मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर।
तो ये है हमारे पास मेन खेल। जब आप इमेज का फॉर्मेशन करेंगे, न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, तो आपको मेरे ये वर्ड्स ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है? अब थोड़ा नोट करो, फिर दो को और है डेफिनेशन जैसा चीज है उसको लिखा देते, फटाफट करो। देखिए अगला जो डिफेक्ट है दैट इज थर्ड, दिस इज प्रेसबायोपिया। ऐसा आई डिफेक्ट जिसमें पर्सन को नजदीक का भी ऑब्जेक्ट देखने में दिक्कत हो, दूर का भी ऑब्जेक्ट देखने में दिक्कत हो, नजदीक का भी ऑब्जेक्ट देखने में दिक्कत हो, दूर का भी ऑब्जेक्ट देखने में दिक्कत हो, जब दोनों तरह का डिफेक्ट एक साथ मौजूद होता है, मेट्रोपिक डिफेक्ट एज वेल एज हाइपर सॉरी मायोपिक डिफेक्ट एज वेल एज हाइपर मेट्रोपिक डिफेक्ट दोनों एक साथ जब मौजूद होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रेस बायोपिया। तो भाई देखो होता क्या है, उनका जो पर्टिकुलर स्पेक्टिकल होता है उसमें बीच से तोड़ के नजदीक नीचे में रीडिंग ग्लास लगा हुआ रहता है, जब उनको पढ़ना रहता है तो वो लोग नीचे वाले पोर्शन का यूज करते हैं, वैसे भी पढ़ने के लिए आप नीचे ही रखते हैं, तो नीचे वाला पोर्शन जो है वो होता है जो हमारा हाइपरमेट्रोपिया में आप पढ़े नजदीक वाले ऑब्जेक्ट को क्लियर देखने के लिए आधा ग्लास नीचे का, और जब आप सीधा होकर किसी दूर के चीज को देखना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप ऊपर वाले पोर्शन को यूज करते हैं, तो उनका ऊपर वाला जो लाइन आई का स्पेक्टिकल होता है, ऊपर वाला जो होता है वो होता है हमारे मायोपिक डिफेक्ट को दूर करने का। तो ऐसा डिफेक्ट जिसमें हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिक डिफेक्ट दोनों एक साथ मौजूद हो, मतलब नजदीक का ऑब्जेक्ट और दूर का ऑब्जेक्ट दोनों देखने में दिक्कत हो, उसको आप कलेक्टिवली प्रेस बायोपिया कहते हैं, ठीक है? लिखो नीचे जरा। That defect of eye, that defect of eye in which, that defect of eye in which observer cannot see nearer object as well as far object clearly. Nearer object as well as far object clearly, nearer object as well as far object clearly, comma, is known as presbyopia. Is known as presbyopia. Presbyopia. Paragraph change करके नीचे लिखना। For the correctness of presbyopia, for the correctness of presbyopia, diverging lens as well as converging lens, diverging lens as well as converging lens, both are used simultaneously. Both are used simultaneously. Diverging lens as well as converging lens, both are used simultaneously. हो गया? चलो एक और हमलोग के पास that is called astigmatism. Astigmatism. ये astigmatism क्या होता है? Astigmatism क्या होता है? देख, एक करेक्ट आई वर्टिकल लाइंस और हॉरिजेंटल लाइंस को जैसे रहता है वैसे दिखता है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस जैसे रहता है वैसे दिखता है, लेकिन कभी कभी आई के लेंस का जो कर्वेचर होता है, कर्वेचर आई क्या है, आई तो एक स्फेरिकल है ना, आई तो स्फेयर है, स्फेयर, अगर आई के स्फेरिकल कर्वेचर में किसी भी तरह का किसी कारण से चेंज हो जाए तो वो साइमल्टेनियसली वो
पर्सन साइमल्टेनियसली वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन को वैसे नहीं देख पाएगा जैसे वो है। इस तरह का आई डिफेक्ट एस्टिगमेटिज्म कहलाता है। किसी भी कारण से अगर आई लेंस में, आई लेंस नहीं बोलो, आई बॉल बोलो, आई बॉल का जो कर्वेचर है, अगर उसमें गड़बड़ हो जाए, प्रॉब्लम आ जाए, नेचुरल जो है उससे डिफर कर जाए, तो वैसे केस में पर्सन वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस को एज इट इज नहीं देख पाता। सच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड एस्टिगमेटिज्म, उसको आप एस्टिगमेटिज्म कहते हैं। सर इसको दूर कैसे करते हैं? इसको दूर करने के लिए आप सिलिंड्रिकल ग्लास लेंस यूज करते हैं, मतलब उसका चश्मा ऐसे सिलिंड्रिकल लेंस में होगा, सिलिंड्रिकल के फॉर्म में होगा, सिलिंड्रिकल ग्लास लेंस। अब सिलेंडर ऐसे होगा या ऐसे, वो उसके डिफेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसका वर्टिकल लाइन सही नहीं दिख रहा है तो इस तरीके का पैटर्न है, हॉरिजॉन्टल के लिए इस तरीके का पैटर्न है, तो वो डिपेंड करता है कि उसको क्या तरह का प्रॉब्लम है। तो एस्टिगमेटिज्म इज द डिफेक्ट इन विच कर्वेचर ऑफ आईबॉल और आई लेंस विल चेंज। इस वजह से वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस कैन नॉट सी साइमल्टेनियसली एज इट वाज, एंड फॉर करेक्टनेस यूज सिलिंड्रिकल लेंस। ठीक है, लिखो जरा एस्टिगमेटिज्म के बारे में, एस्टिगमेटिज्म के बारे में लिखो। लिखिए दैट आई डिफेक्ट इन विच एन ऑब्जर्वर, that eye defect in which an observer cannot see, an observer cannot see horizontal and vertical lines in their original shape, in their original shape, comma, is known as, comma, is known as eye astigmatism, is known as astigmatism, is known as astigmatism. Well, original ke baad kya bole? Original shape, comma, is known as astigmatism, is known as astigmatism. ठीक है, फर्स्ट ऑफ आगे लिखना, ड्यू टू चेंज इन कर्वेचर ऑफ आई लेंस, ड्यू टू चेंज इन कर्वेचर ऑफ आई लेंस, दिस एस्टिगमेटिज्म विल अराइज, ड्यू टू चेंज इन कर्वेचर ऑफ आई लेंस दिस एस्टिगमेटिज्म विल अराइज, एंड फॉर इट्स करेक्टनेस, and for its correctness, and for its correctness, cylindrical lens should be used, cylindrical lens should be used. आप cylindrical lens का सहारा लें, ठीक है? हो गया, बेटा तुम्हारे आई के बारे में सब कुछ है ना आपके सामने रख दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक हम इसी में ऐड करना चाहते हैं, बहुत सिंपल सा चीज है, उसको आगे बता देंगे तो फिर अगले दिन आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में और भी जो डीप स्टडी उसको कर पाएंगे। दैट इज सिंपल माइक्रोस्कोप। आप लोग माइक्रोस्कोप जानते हैं? Yes, sir. Yes. माइक्रोस्कोप, ठीक है। अच्छा आप लोग माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है, बोलो क्या होता है उसका काम? सर वो छोटा चीज को ना बड़ा बड़ा दिखाता है, बड़ा करके दिखाता है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास दो चीज है जो हम लोगों को माइक्रोस्कोप में पढ़ना है,
एक है सिंपल माइक्रोस्कोप, ऑब्वियसली नाम में ही सिंपल है, वो आप जनरली कहीं भी देखिएगा, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करता है, लेकिन काम क्या करता है, कैसे उसका मैग्नीफाइंग पावर है, ये सब थोड़ा हम लोग देख लेते हैं 2 मिनट। और उसके बाद एक जटिल प्रोसेस आता है, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो आप बायोलॉजी में जनरली यूज करते हैं, छोटा छोटा चीज को बड़ा करके देखना होता है, उसको एनालाइज करना है, उस पर हम लोग बहुत सारा रिसर्च करना है, तो छोटे छोटे चीज को बड़ा करके देखना है। अब बैक्टीरिया है, वायरस है, लंग्स में बहुत सारा चीज दुनिया में घूम रहा है, सबको हम लोग देखेंगे नहीं तो उसका रेमेडी कहाँ से खोजेंगे, तो उन छोटे से चीज को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो है उसको हम लोग देख पाए, ऐसा इक्विपमेंट माइक्रोस्कोप के अंदर आता है। अब एक है सिंपल माइक्रोस्कोप, फिर उसी का मॉडिफाइड फॉर्म है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये आप लोअर क्लास में भी पढ़े हैं ना, सिंपल माइक्रोस्कोप है। हाँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा स्टडी थोड़ा अलग है, चलो पहला वाला देख लेते हैं, तो आज दैट इज कॉल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप। सर वो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है वो कौन सा, वो कंपाउंड होता है क्या? नहीं नहीं ये उससे भी आगे है, ठीक है, वो उससे भी हाईटेक वाला बात आप बोलती है, ठीक है, पहले हम लोग ये तो वो सीख लेते हैं, थोड़ा बेसिक बेसिक सीख लेते हैं। देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप का सीधा मतलब है एक कॉन्वेक्स लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस। अगर एक कॉन्वेक्स लेंस के सामने आप कोई एक ऑब्जेक्ट रखें, कॉन्वेक्स लेंस के सामने आप कोई एक ऑब्जेक्ट रखें और वो ऑब्जेक्ट उसके फोकस और पोल के बीच हो, फोकस के पीछे नहीं, फोकस और पोल के बीच, मतलब लेंस का ये है पोल, यहां इसका फोकस, तो ये फोकस और पोल के बीच कहीं होना चाहिए। तो देखिए रे डायग्राम इसका, एक रे तो पोल से सीधा निकल गया, आप इसको डॉटेड लाइन से बढ़ा दीजिए ऐसे, देखिए बनाने का तरीका देखिए। दूसरा रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया है, दूसरा रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया है, आप पहले से सोच लो कि आपको इमेज कहां बनाना। देखिए हम आपको एक चीज है ना ऐसे ही हिंट दे देते, होता क्या है ना कि इसमें रे डायग्राम बनाने में स्टूडेंट इतना बार रफ करता है, कहीं हो सकता है ऑब्जेक्ट उसके कॉपी पे रहता है, इमेज दूसरे के कॉपी पे जाने लगता है, तो इन सब प्रॉब्लम में आपका समय जाता है, ठीक है। तो हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, उस हिसाब से हमेशा रे डायग्राम बनाइए, एक बार में बने। अब देखो जैसे मान लो मेरा बोर्ड यहां तक खत्म है, देख रहे हो बोर्ड यहां खत्म है, अब अगर हम रे पहले इधर दिखा देंगे तो हम उसको पीछे बढ़ाएंगे तो परेशानी में फंस सकते हो, कटेगा ही नहीं। इस वजह से हम पहले ही डिसाइड कर लेंगे कि हमको इमेज यहां बनाना है, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, ये उसका इमेज है ए डैश बी डैश, ओके, और यहां से ले जाके उसी हिसाब से हम ना रेस को आगे बढ़ा देंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। अगर आप पहले इधर ड्रॉ कर लेंगे ना तो फिर आप पीछे जाते जाइएगा, हो सकता है आपका कॉपी ही खत्म हो जाए। इस वजह से पहले आप डिसाइड कर ले कि हाँ भाई यहाँ इमेज बना लेते हैं, ठीक है, और उसके हिसाब से आगे बढ़े। तो ये इसका एक प्रॉपर डायग्राम है, ए बी ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश इसका इमेज है, ठीक है। नाउ यू हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म नोन एज मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर रिप्रेजेंटेड बाय ऐसे एम पी लिखते हैं, तो मैग्नीफाइंग पावर ये होता क्या है। मैग्नीफाइंग पावर जितना भी आप अभी से आगे तीन इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आप पढ़ेंगे, एक सिंपल माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और एक टेलीस्कोप है, कोई भी आया तो आप समझ जाइए कि इसका नीचे एक डेरिवेशन करना है, वो मैग्नीफाइंग पावर का है। ऑलमोस्ट अगर एक नंबर से ऊपर में ये क्वेश्चन रहता है तो जनरली आपको रे डायग्राम के साथ ये डिराइव करना ही होता है, ठीक है। अब देखिए आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होता है या ऑब्जेक्टिव, ये हम ज्यादा नहीं जानते, लेकिन आपको चीजें जानना है और पूरा जानना है, आप किसी भी चीज को छोड़िए नहीं, समझिए ऐसे। मैग्नीफाइंग पावर क्या है, देखिए ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों को एक जगह रख, दोनों को एक जगह रखने का मतलब क्या है, हम रे डायग्राम में कुछ ठीक कर रहे हैं, समझो। इमेज तो यहां है, ऑब्जेक्ट के लेंथ के बराबर एक लेंथ आप मान ले ए डैश सी, ए डैश सी दिख रहा आप लोगों को। अब देखिए ए डैश सी का वही हाइट है जो हमारे ऑब्जेक्ट का है,
सी हमारे इस लेंस के ऊपर एक एंगल बनाएगा, दैट एंगल इज अल्फा, और जो मेरा इमेज है ए डैश बी डैश वो हमारा इस लेंस के ऊपर एक एंगल बनाएगा, दैट एंगल इज बीटा। ठीक है, मैग्निफाइंग पावर क्या होता है? मैग्निफाइंग पावर इज द रेशियो ऑफ, मैग्निफाइंग पावर इज द रेशियो ऑफ एंगल सब्सटेंडेड बाय इमेज टू एंगल सब्सटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन बोथ आर प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन। हम आपको ये डेफिनेशन लिखाएंगे, दैट मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल्स टू एंगल सब्सटेंडेड बाय इमेज टू एंगल सब्सटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन बोथ आर प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और एट सेम प्लेस। रे डायग्राम बनाने का जगह छोड़ो, डेफिनेशन लिखो, आगे छोटा सा डेरिवेशन है कर देते हैं, ये काम खत्म हो जाएगा। लिखो जरा मैग्नीफाइंग पावर का डेफिनेशन। इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ एंगल सब्सटेंडेड बाय इमेज, इट इज द रेशियो ऑफ एंगल सब्सटेंडेड बाय इमेज टू एंगल सब्सटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, एंगल सब्सटेंडेड बाय इमेज to angle subtended by object at the eye of observer, at the eye of observer when both are placed at, when both are placed at least distance of distinct vision, when both are placed at least distance of distinct vision। जैसे इस फिगर के हिसाब से अगर जाओ तो ये रहा आपके पास v, ये है आपके पास u, और ये डी कितना है भाई, डी के बराबर। ठीक है, डी आप समझ गए, 25 सेंटीमीटर को यहां डी से रिप्रेजेंट किया गया। आइए अब छोटा सा कैलकुलेशन ध्यान से, हम लोग लिख सकते हैं दैट मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल्स टू बीटा, जब लिखना है तो आप लिखेंगे ए डैश बी डैश बाई पी ए डैश, ए डैश बी डैश बाई पी ए डैश, और जब आपको अल्फा लिखना है तो आप लिखेंगे ए डैश सी बाई पी ए डैश, ए डैश सी बाई पी ए डैश। समझे सबको इसको, बीटा लिखना था तो ए डैश बी डैश बाई पी ए डैश परपेंडिकुलर बाय दिस, और अल्फा लिखना है तो ए डैश सी बाई पी ए डैश। समझ में आया, ये पहला लाइन ही समझने का है, बाकी सब इजी है। Yes, sir, आ गया। ठीक है, अब देखो ये दोनों में P A dash कट जाएगा, तो magnifying power आया आपका A dash B dash by A dash C। लेकिन आप फिगर देख ही रहे हो कि जो हमारा A dash C है वो तो एक्चुअली ऑब्जेक्ट का लेंथ है ना, AB है, A dash C AB के बराबर है, तो आपका magnifying power आया A dash B dash by AB, A dash B dash by AB। अब देखो, आप इस चीज को बहुत ही पहले से लिखते आ रहे हैं, आपका ध्यान नहीं है शायद, आप एक बार देख लीजिए। A dash B dash का मतलब है height of image और AB का मतलब है height of object। बोलो, जब से आप magnification पढ़ रहे हैं तब से इसको पढ़ रहे हैं कि नहीं? Yes sir। ठीक है, अब देखिए एक similar triangle का concept लाते हैं आपके पास। For सिमिलर ट्रायंगल पी ए डैश बी डैश एंड पी ए बी, जरा गौर कर लीजिए इस फिगर पे, पी ए डैश बी डैश एंड पी ए बी, क्या ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है? ये दोनों ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, दोनों सिमिलर ट्रायंगल है? देखो भाई फिर से देखो, पी ए बी एक ट्रायंगल और P A dash B dash दूसरा ट्रायंगल, क्या ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है? Yes, अगर दोनों सिमिलर ट्रायंगल है तो जो आप लिख रहे हैं A dash B dash by AB, A dash B dash by AB, क्या उसके जगह P A dash by PA लिख सकते हैं?
या जो भी बायो स्टूडेंट है सुनिएगा ध्यान से। आप लोगों को पता चला ये ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है, ये वाला एक ट्रायंगल और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल यस सर सिमिलर ट्रायंगल है, तो अगर दोनों के परपेंडिकुलर का रेशियो लेंगे तो दोनों के बेस के रेशियो के बराबर होगा। यस सर तो परपेंडिकुलर का रेशियो ए डैश बी डैश ए भी है, बेस का रेशियो पी ए डैश बाय बी ए है, तो आप लिख सकते हो मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल्स टू पी ए डैश बाय पी ए। पी ए डैश क्या है? पी ए डैश एक्चुअली बी है और पी ए क्या है? यू है। सो इट विल बी इक्वल्स टू बी बाय यू। तो आप याद करो मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल्स टू बी बाय यू। वैसे आप खुद ही सोचिए ना, आप लोग लेंस के केस में मैग्नीफाइंग पावर ए तो लिखते हैं v by u, करेक्ट है? ए माइनस v by u, यस सर। मिरर में माइनस v by u। हाँ हाँ मिरर में यस। अब यहाँ से देखो इसको दो केस में डिवाइड करें। फर्स्ट केस,
क्योंकि इसमें है ना ज्यादा थ्योरी से ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट है। अब स्टूडेंट बोलेगा कि सर यहाँ भी के जगह पे इंफिनिटी लिख दीजिए। जब आप भी के जगह इंफिनिटी लिखिएगा तो कोई कैलकुलेशन का जरूरत ही नहीं है, हर बार तुम्हारा मैग्नीफाइंग पावर इंफिनिटी आएगा। बोलो सही है। तो इसका लॉजिक ऐसे दिया गया कि फॉर दिस भी होगा डी के बराबर, मतलब माइनस डी, और यू होगा माइनस एफ के बराबर। मतलब सर बताइए सर, अगर मेरा ये ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ पे रखा रहे तो क्या उसका इमेज इंफिनिटी पे बनेगा? यस सर। और साइन कन्वेंशन के हिसाब से डी भी माइनस और यू भी माइनस, डी भी माइनस यू भी माइनस, तो आपका इस केस में मैग्निफिकेशन होता है माइनस डी बाय माइनस एफ, कहने का मतलब डी बाय एफ, एंड दिस इज मिनिमम मैग्निफिकेशन। मिनिमम मैग्निफिकेशन लेंस कब प्रोवाइड करता है? जब फाइनल इमेज बने इंफिनिटी पे, ऑब्जेक्ट कहां हो? फोकस पे। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मेरा लेंस कब प्रोवाइड करता है? जब फाइनल इमेज बने लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। फाइनल इमेज बने लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है 1 प्लस डी बाई एफ, मिनिमम मैग्निफिकेशन है डी बाई। ठीक है, दिस इज योर सिंपल माइक्रोस्कोप। ये है आपका सिंपल माइक्रोस्कोप। देखिए सिंपल में इतना चीज है, तो जब आप अगले दिन कंपाउंड पढ़िएगा तो उसमें थोड़ा इससे ज्यादा रहे। ठीक है, सो थोड़ा सा केयरफुल रहके है ना, इसको अच्छे से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से, अगले दिन इससे आगे बढ़ेंगे। इतना नोट कीजिए, कहीं कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अभी हम हैं ही, नोट कीजिए।